और यहाँ से बाघा बॉर्डर की दूरी, करेक्ट दूरी आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। बाघा बॉर्डर की दूरी यहाँ से निकाल लेते हैं। आज पूरा इंडिया के बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि अपने तुम्हारे घर में मैंने कहा कि दुआ करेंगे, आप भी मेरे लिए दुआ करना कि हम इंशाल्लाह पे जाएं हम लोग, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना MD आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए दिन, एक नए सफ़र, एक नए ब्लॉग में। राइट, शाम को 6 बज रहे हैं, तारीख 22 सितंबर 2022। आज सिहाब भाई का प्रॉपर लोकेशन आप सभी लोगों को बीच में लेकर आ गया हूँ। तो सिहाब भाई को आज पैदल हज के लिए घर से निकले हुए 112 दिन हो गए हैं, 112 दिन पूरे हो गए हैं। और सिहाब भाई के वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी जाकर आप सभी लोगों को उनका लोकेशन, करेक्ट लोकेशन सिहाब भाई का मिल पाएगा। और सिहाब भाई को कितने दिन लगेंगे पाकिस्तान पहुँचने में, और पाकिस्तान से यहाँ पर जहाँ पर सिहाब भाई रुके हुए हैं वहाँ पर कितनी दूरी है, तो आप सभी लोग बने रहे वीडियो में, सारी जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। और अभी तक वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा टारगेट है बाघा बॉर्डर तक 20,000 की फैमिली की। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 20,000 की फैमिली हमारी पूरा करें जल्द से जल्द, और वीडियो को पूरा देखें, जानकारी पूरा आप सभी लोगों को मिलेगा। और यहाँ से बाघा बॉर्डर की दूरी, करेक्ट दूरी आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। बाघा बॉर्डर की दूरी यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर है, नहीं 55 ही, ओनली 50 50 किलोमीटर, करेक्ट 50 किलोमीटर यहाँ से बाघा बॉर्डर की दूरी है। और यहाँ उन्हें वहाँ पर पहुँचने में सिर्फ दो दिन अगर रेगुलर चलें तो दो दिन हाँ, अगर कहीं बीच में अगर कहीं रुकें तो टाइम बढ़ सकता है, क्यों नहीं बाबा जी? हम लोग सिर्फ डेली का अपडेट दे सकते हैं कि कितना चले रुकें, यही, और कब चलेंगे उसका अपडेट अल्लाह ही जानता है, और सिहाब भाई ही जानते हैं, हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग कई बार रात में सोते रह गए और सिहाब भाई 2 बजे उठ के निकल लिए। सवेरे हम लोग खोजते कितनी मुसीबत से पकड़ते हैं, कहीं कहीं दो रास्ते हो जाते हैं, समझ में आता है इस रास्ते में गए। कई बार हम लोग भटक भी चुके हैं, क्यों ना बाबा जी? बहुत भटके। अभी 2 दिन पहले भी 60 किलोमीटर दूर तक चले गए थे, सिहाब भाई का करेक्ट लोकेशन नहीं मिला था। और एक दिन और फरीदकोट में हम लोग भटके थे बाबा जी, फरीदकोट में बाबा जी से हमने फोन करके पूछा कि सिहाब भाई कहाँ हैं, तो बाबा जी भी भटक गए थे और हम लोगों को भी भटका दिए थे। तो उस दिन भी 30 से 40 किलोमीटर दूर तक भटके थे, किसी तरह मुश्किल से लोकेशन पता चला तो वहाँ पर सिहाब भाई करेक्ट लोकेशन पे पहुँचे थे। तो दोस्तों, तो सिहाब भाई का कब निकलने का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन निकलते हैं जब तो सब आप सभी लोगों को उनका अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो सिहाब भाई के लिए कुछ कहना चाहती हैं, तो आइए इनसे आप सभी लोगों को मिलाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी सलाम करिए, जोर से बोलिए, जोर से। क्या नाम है आपका? नरगिस। बैठ जाइए आप लोग, दोनों लोग बैठ जाइए। आपका तैयबा खान नाम है और आपका नरगिस। तो यहाँ सिहाब भाई से आप लोग मिली हूँ? अभी नहीं, जब वहाँ से खिड़की से हाथ हिला रहे थे। सिहाब भाई ने माला पहनाई थी ना, पैसे वाली जी, कल को पहनाई थी ना, तो बोलो ना, सिहाब भाई से कल मिली थी, उन्होंने मुझे माला पहनाई थी। तो सिहाब भाई ने क्या कहा था जब आपने मिली सिहाब भाई से? तो सिहाब भाई ने कहा था हमसे दुआ करना कि हम जल्दी पहुँचे, हमारा सफर भी आसान हो, तो हमने कहा इंशाल्लाह करेंगे। तो आपने बोला नहीं पापा की कार से पहुँचवा देते? मेरे पापा के पास कार है ही नहीं है, ला देते कहीं से। और आप कहाँ से लाते? और आपने क्या कहा सिहाब भाई से? कौन, मैंने? हाँ, आप क्या कही सिहाब भाई से? मैंने कहा कि दुआ करेंगे, आप भी मेरे लिए दुआ करना कि हम इंशाल्लाह पे जाएं हम लोग, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह। तो देख सकते हैं ये बच्ची हैं छोटी छोटी जो इस मस्जिद में हैं, और यहीं लोकल किरण कर लेते हैं। आज पूरा इंडिया के बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि अपने तुम्हारे घर में या बाहर में ऐसी कौन सी चीज है जो कभी दिखाई नहीं दी। तो ये सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ऐसी कौन सी चीज है, हम लोग देख तो जरूर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है। तो कमेंट में जरूर आप सभी लोग बताइएगा जी।
ठीक है दोस्तों, ये रही बाबा जी की कहानी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा कहानी हर वीडियो में बाबा जी की लेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक बाघा बॉर्डर आने वाला है, तो बाबा जी भी कहीं और चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। नहीं, नहीं, हम आपको यूपी वाले को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बने रहूँगा। चलिए तब तक के लिए देखते रहें क्या ब्लॉग एमडी आसिफ यूपी वाला चैनल, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोग। और बाघा बॉर्डर अब ज़्यादा दूरी की है नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब दो चार वीडियो बनाने के बाद लास्ट वीडियो बाघा बॉर्डर का बना देंगे, इंटर होने का बनाएंगे और एकदम सही जानकारी देंगे। सब भाई का लोकेशन आप सभी लोगों को फिर से एक बार बता देते हैं। तो सिहाब भाई अभी 3 दिन से जहाँ रुके हैं तरन तारन में मरकज मस्जिद में, तो सिहाब भाई अभी यहीं पे हैं। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि सिहाब भाई कल भी रुकेंगे इसी मस्जिद में, जुमा का नमाज यहां से पढ़ने के बाद ही निकलेंगे। तो देखते हैं अगर यहां से कल सिहाब भाई निकलते हैं तो कल वाले अपडेट में आप सभी लोगों को उनका करेक्ट लोकेशन आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ से बाघा बॉर्डर की दूरी 50 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर रेगुलर चलते हैं तो 2 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, अगर कहीं रुकते हैं तो 2 दिन से बेसी लगेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक अपडेट रहेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक और अभी तक हमारे चैनल को आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें।